तो गाइज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये इनविटेशन ये बनाया है मैंने बिल्कुल फ्री में, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया है। और यही काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी क्योंकि मेरे ज़्यादातर इनविटेशन वीडियोस जो होते हैं वो आफ्टर इफेक्ट में बने होते हैं या प्रीमियर प्रो या फोटोशॉप यूज़ करता हूँ मैं। लेकिन काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे जो कमेंट कर रहे हैं कि उनके पास आफ्टर इफेक्ट नहीं है या फिर वो आफ्टर इफेक्ट फोटोशॉप या प्रीमियर प्रो चलाना नहीं जानते। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो बिना इन सॉफ्टवेयर के वो इनविटेशन क्रिएट कर सके और इजीली और जल्दी क्रिएट कर सके, एंड ना सिर्फ पीसी बल्कि मोबाइल में भी इजीली इस मेथड के थ्रू आप इनविटेशन क्रिएट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उस पर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं यहाँ पर कैनवा की वेबसाइट पर। आपको सिंपली गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है कैनवा, एंड यहाँ पर ब्राउज़र में ही आपका जो क्रोम ब्राउज़र या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं वहाँ पर आपका ये कैनवा ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। ये देखिए मैंने लॉगिन यहाँ पर कर लिया है तो मेरा नाम और फोटो दिखा रहा है। आप सिंपली जीमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, गूगल के थ्रू इजीली लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा क्योंकि आप मान लीजिए कोई वर्क किया आपने और उसे सेव करके रखना है तो लॉगिन करेंगे तभी आपका वर्क सेव रहेगा, नहीं तो वो बिना लॉगिन के तो सेव नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको फिर से रीवर्क करना पड़ेगा या कुछ भी उसमें चेंजेस करना रहा या करेक्शन रहे तो उसके लिए आपको फिर से वापस पूरा बनाना पड़ेगा, इसलिए लॉगिन करना कंपलसरी है। तो लॉगिन कर लीजिएगा और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप वहाँ से जाके भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और ये वेबसाइट ना सिर्फ पीसी में बल्कि मोबाइल पर भी इजीली वर्क करेगी। मोबाइल पर भी सिंपल आपको क्रोम के अंदर जाके कैनवा सर्च करना है और लॉगिन कर लेना, आप इस पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा फ्री अकाउंट है, आप चाहे तो कैनवा प्रो भी ले सकते हैं, इसका कुछ मंथली चार्जेस होता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो फ्री अकाउंट है इस पर भी काफ़ी अच्छा हम यहाँ पर इन्विटेशन बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले हाउस वार्मिंग इन्विटेशन, तो जो गृह प्रवेश होता है उसके लिए इनविटेशन जो भेजते हैं वो हम यहाँ पर अभी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखिए इस तरह का कुछ इसका होम पेज रहेगा तो आपको यहाँ पर सर्च पे जाना है, एंड सर्च में जाने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट पे नहीं जाना, आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट जो आप क्रिएट करेंगे या सेव करेंगे वो यहाँ पर दिखाएगा, आपको सिंपली टेम्पलेट पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है इन्विटेशन। देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर इन्विटेशन आ चुके हैं और ये बेसिकली ये सारे इनविटेशन जो है ये इनविटेशन कार्ड है, ग्राफिक्स है, इमेजेस हैं, तो हम इन्हीं का यूज़ करके हम बनाने वाले हैं वीडियो। तो काफ़ी यहाँ पर अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, सब तरह के इनविटेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बर्थडे के हुए और फर्स्ट बर्थडे, शादी का हुआ, पार्टी, बर्थडे पार्टी और अलग अलग तरह के यहाँ पर इनविटेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओपन हाउस का भी यहाँ पर एक इन्विटेशन है तो आप चाहें तो इनमें से जो भी आप चाहें उसे डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम कुछ अलग सा कुछ ढूंढ रहे हैं जो कुछ कर सके हम। बेसिकली अभी हम जो सर्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ बैकग्राउंड के लिए क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हम मैन्युअली करेंगे उसके अंदर। ये वाला बैकग्राउंड मुझे अच्छा लग रहा है तो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, एंड कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर नए वाले विंडोज़ में हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह से कुछ जो कार्ड है हमारा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर और भी उससे रिलेटेड, उससे मिलते जुलते टेम्पलेट और भी है तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लाइक जैसे हमारा ये पूरा आ चुका है एंड उसके बाद डेट वेट भी यहाँ पर कंप्लीट है पूरा, सिर्फ हम इसे एनिमेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये वाला मेरा ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखिए सारे ये जैसे नॉर्मली फोटोशॉप में होता है या इलस्ट्रेटर में लेयर वाइज होते हैं, ये सारे आपको अलग अलग ऐसे लेयर में मिल जाएंगे इस तरह से। तो हम क्या करें, सबसे पहले इस फ्लावर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एनिमेट, तो हम करेंगे इसे एनिमेट। एनिमेट पर क्लिक करते से ही आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन, आपको ज़रूरी नहीं है आपको एनिमेशन आता है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है या नहीं आती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर सब कुछ प्री बिल्ड है, बहुत ईजिली आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग स्टाइल में एनिमेशन है तो आपको जो पसंद आए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो फिलहाल ये वाला एनिमेशन पसंद आ रहा है फोटो जूम,
मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह, सेम सेकेंड वाले ऑप्शन को भी जो नीचे वाला हमारा फ्लावर है इसे भी यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, इससे भी फोटो जूम सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हैं तरह से ये, तो ये आ चुका है। अब हम जाएंगे वापस टेक्स्ट में और टेक्स्ट को हम हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। यहाँ पर जो भी आपका कंटेंट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डमी टेक्स्ट के लिए चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह का कंटेंट यहाँ पर इसने दे दिया है, यहाँ से हम कंटेंट उठा लेंगे। आपके पास तो आप जिसका भी इन्विटेशन बना रहे हैं तो वो डिटेल तो आपके पास रहेगी ही, तो ये उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ऐड पेज पर क्लिक करते हैं और ये सारा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है हमारा इसे हम उठा के अभी नीचे रख लेते हैं, या फिर हम इसे डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से इस पेज की तरह। यहाँ से डुप्लीकेट पेज, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिल जाता है डुप्लीकेट पेज का, तो इसकी कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पर सेम हमारे पास पेज आ चुका है, तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा जो जो हमें लग रहा है वो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर कर लिया है। आप इसका चाहे तो यहाँ से साइज भी अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर इस जगह पर खाली जगह, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम ढूंढेंगे एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे हाउस पर हाउस, और हाउस लिखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर फिल्टर पर जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एनिमेटेड पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एनिमेटेड हाउस इस तरह के यहाँ पर आ चुके हैं। सी ऑल पर क्लिक करके हम सभी को देख सकते हैं। तो जहाँ पर ये आपको प्रो आइकॉन दिखेगा इसका मतलब है आप इसे जब प्रो परचेस करते हैं तभी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे फ्री ऑप्शन हैं और जो काफ़ी अच्छे हैं, तो हम इन्हें ही यूज़ करेंगे। जैसे हमारा ये जो थीम है इसके अकॉर्डिंग हमें ये वाला घर अच्छा लगा, तो मैं सिंपली इसे ड्रैग करूँगा और यहाँ उठा के डाल देंगे इस तरह से, यहाँ पर ये आ जाएगा तरह से आ चुका है। अभी ये वाला जो था इसमें भी हम एनिमेशन दे देते हैं इस वाले को, तो इसमें हम सिंपल पैड का एनिमेशन देंगे। सेम इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी हम सिंपल पैड वाला एनिमेशन डाल देंगे। इस तरह से एनिमेशन हमारा यहाँ पर आ चुका है, और इसे हम एक साथ सिलेक्ट करके और फिर इस पर एफेक्ट डालते हैं। अभी प्ले करके देखते हैं किस तरह से प्ले हो रहा है। ये देखिए इस तरह से प्ले हो रहा है। अभी ये प्ले होने में आगे पीछे हो रहा है हमारा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जाएंगे और पोजीशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखिए पोजीशन है हमारे पास तब की, तो हम क्या करेंगे ये जो दोनों है इन्हें हम सबसे पहले उठा के रखेंगे और उसके बाद इन दोनों को रखेंगे। हम प्ले करके देखते हैं क्या हो, कुछ इस तरह का एनिमेशन हमारा यहाँ चुका है, शायद इस पर से हटिया है। मैं इसे वापस लगा देता हूँ एनिमेशन, तो हमारा ये एनिमेशन कुछ इस तरह का यहाँ पर आ चुका है। और अभी जो टेक्स्ट है हम इस पर भी एनिमेशन डालने वाले हैं, तो ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम वापस जाते हैं एनिमेशन पर। और यहाँ देखिए क्योंकि टेक्स्ट था तो यहाँ पर पूरा चेंज हो चुका है एनिमेशन किस तरह से आएगा। ये यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप जो चाहे वो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। फिलहाल मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो फिलहाल मैं ये वाला एनिमेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड प्रीव्यू करके देख लेते हैं हम। इस तरह से ये एनिमेशन यहाँ पर आ चुका है। फर्स्ट स्लाइड हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम सेकेंड वाली स्लाइड बनाएंगे। क्योंकि फर्स्ट स्लाइड ये रही, सेकेंड स्लाइड ये यहाँ पर आ गई हमारी, तो सेकेंड स्लाइड में भी हम चाहे तो ये चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन अगर आप चाहें तो, और आपको सेम रखना है अगर सेम टू सेम काट कर रखना तो आप सेम भी रख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं टेक्स्ट को चेंज कर लेता हूँ, इसको भी मैं डुप्लीकेट निकाल देता हूँ ताकि हमारे पास बैकअप में रहे, और यहाँ से मैं ये वाली सारी एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। लगेगा तो हम ऊपर से कुछ कॉपी कर सकते हैं ऊपर नीचे से, तो चल जाएगा मेरा। प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर डालते जॉय, सर्च करते हैं, इस तरह का यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर इस तरह के यहाँ पर एलिमेंट आ चुके हैं, फैमिली वाले में डाले थे तो ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। हम करते थोड़ा सा छोटा टेक्स्ट को हम यहाँ नीचे ले आते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ एनिमेटेड वाले जो भी ग्राफिक्स ऑल में जाते हैं हम, एनिमेटेड में जो भी हमारे पास है सब कुछ यहाँ पर ग्राफ आ जाएगा। इस तरह से ये लाइन है, एरो है, ये लाइन एक अच्छी लगी तो इसे उठा के मैं रख लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे हम इस तरह से, और इसे पोजीशन में जाके हम इसे इसके पीछे कर देते हैं, तो पीछे की तरफ से ऐसा लाइन जाता हुआ दिखेगा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिससे एलिमेंट में आ जाते हैं हम, तो आपको जो भी पसंद आ रहा हो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो आप यहाँ पर इजीली बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हैं। आपको प्लेन चाहिए एनिमेशन हटा दीजिए, नॉर्मल लाइनें चाहिए, नॉर्मल सर्कल चाहिए वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
जैसे ये सर्कल रहे तो ये नॉर्मल सर्कल है, और मैं यहाँ पर सिलेक्ट में जाके एनिमेट कर देता हूँ तो यहाँ पर ये एनिमेटेड सर्कल आ गए। तो इस तरह से आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो बाकी सारा भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आपको इनमें से और कुछ भी पसंद आता है आप इजीली बस उठाइए, ड्रैग कीजिए और यहाँ पर छोड़ दीजिए इस तरह से। ये वाला जो था हमारे घर के पीछे अच्छा लगता तो मैं इसे ऊपर रख के आप पर पोजीशन में जाकर इसे हमारे हाउस के पीछे वाली लेयर पे कर देता हूँ। इस तरह से हमारे हाउस के आसपास पे निकलता हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर तरह से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर सेम, तो इस पर भी मैं जाके चेंज करता हूँ कुछ। यहाँ पर इसको हम चेंज कर देते हैं तो ऊपर रख देता हूँ थोड़ा सा एंड इसको यहाँ पर करके इस जगह पर डाल देते हैं। एंड यहाँ पर हमने टेक्स्ट में एनिमेशन नहीं किया था तो टेक्स्ट पे भी अगर आप चाहे तो एनिमेशन यहाँ से दे सकते हैं। अगर तो टाइपिंग वाला इफेक्ट हम डाल देते हैं तो प्ले करके देखते हैं, ये देखिए इस तरह पर आएगा। चाहे तो इसमें भी एनिमेशन दे सकते हैं यहाँ से। एनिमेशन फर्स्ट स्लाइड का हो चुका है, सेकेंड स्लाइड ये जो फैमिली है इसमें भी आप चाहें तो एनिमेशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं। आ जाते हैं थर्ड स्लाइड पर और टेक्स्ट को भी सेकंड स्लाइड का सॉरी जो टेक्स्ट है उस पर भी हम एनिमेशन डाल देते हैं ये वाला टाइपराइटर वाला। नाउ थर्ड सेम, इस पर भी हम डालेंगे टाइपराइटर वाला इफेक्ट। उसके बाद जो पार्टी है उसके ऊपर हम डालेंगे इफेक्ट, अच्छा है। बाद हम करते हैं डिलीट एंड यहाँ पर डेट जो भी आपको डालना हो आप डाल सकते हैं, सेकेंड जुलाई टाइम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर डेट भी डाल सकते हैं, सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं इनको एक साथ। तो यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है, तो डेट डाल दी। यहाँ पर आप एड्रेस डाल सकते हैं आपका, तो जो भी आपकी सिटी हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस है वो इजीली यहाँ से डाल सकते हैं। तो कर देंगे इस तरह दो लाइन में आ गया हमारे पास, मैंने एड्रेस भी डाल दिया है। ये सारा डिटेल जो है मैं रफली डाल रहा हूँ रैंडमली, ऐसा कोई एड्रेस या कोई फंक्शन नहीं है तो पहुंच मत जाना आप लोग एड्रेस और डेट और टाइम देख के। तो रैंडमली डाला है मैंने ये सब कुछ। हमारी एक स्लाइड और यहाँ पर रेडी हो चुकी है। एक काम और करता हूँ, यहाँ पर भी कुछ एनिमेटेड ग्रुप बना देता हूँ ताकि मूव करना इजी हो। इस तरह से यहाँ पर पार्टी है तो यहाँ पर हम एलिमेंट ढूंढ लेते हैं कुछ पार्टी से रिलेटेड। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पार्टी से रिलेटेड बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ ऊपर भी दिए हुए आइकन टेक्स्ट कुछ लिखे उन पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, इनके अंदर भी आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये वाला फायरवर्क वाला अच्छा लग रहा है, इसे उठा के मैं रख लेता हूँ। सेम हम पोजीशन में जाके इसे कर देते हैं टेक्स्ट के पीछे हमारे तरह से। चाहे तो इसे थोड़ा बड़ा करके भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इससे एलिमेंट में जाके हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं डांसर्स में कुछ मिल जाता है तो डालते हैं पार्टी डांस। काफ़ी सारे एलिमेंट काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको, बस आपको सही नाम पता होना चाहिए और थोड़ा टाइम लगेगा सर्च करने में। जितना ज़्यादा आप चीज़ें सर्च करेंगे उतना ज़्यादा एट्रैक्टिव आपका यहाँ पर जो कार्ड है वो बनेगा। वाला एक अच्छा लग रहा है, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर हम ले आते हैं यहाँ पर और जो हमारा टेक्स्ट था, देखिए हमें ग्रुप बना लिया था तो ये एक फ़ायदा हुआ ग्रुप बनाने का कि बार बार हमें अलग अलग टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है। तरह से ये वाला चुका है यहाँ पर, थोड़ा एंटर कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो टेक्स्ट था उस पर हम एनिमेशन डाल देते हैं। सबसे पहले उस पर डला हुआ टाइपराइटर, इसमें भी डला है राइज अप का, इसमें भी एनिमेशन में डाल देता हूँ फेड इन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ग्रुप था तो मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं एज इट इज फेड इन वाला इफेक्ट यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। सेम इस पर भी ग्रुप करूँगा तो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ फेड वाला इफेक्ट। तो इफेक्ट इस पर आ चुका है, प्ले करके देख लेते हैं। इस तरह से हमारा अभी तीन स्लाइड यहाँ पर रेडी हो चुकी है एनिमेशन की और यहाँ पर टाइमिंग भी दिखा रहा है 22.8 सेकंड का। ये टोटल तीन पेज अभी हमारे बने हैं यहाँ पर। बाद हम एक और कॉपी निकाल लेते हैं इसकी सेम, यहाँ से इसे करते हैं डिलीट। इफेक्ट ये वाला भी नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर इसका भी पूरा काम ख़त्म हो चुका है तो इन सबको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट अभी रहेगी, यहाँ पर हम दूसरा टेक्स्ट डालते हैं। हमारा एक और पेज यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर हम डाल देते हैं RSVP। और अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप यहाँ से टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे। तो काफ़ी सारे ऑनलाइन टेक्स्ट हैं यहाँ पर, कुछ प्रो वाले हैं तो उनके लिए आपको प्रो वर्जन लेना होगा, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे काफ़ी अच्छे अच्छे टेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो भी आपको नाम डालना है वो नाम आप डाल सकते हैं।
डुप्लीकेट करके मैं यहाँ रखता हूँ एंड यहाँ टेक्स्ट इस तरह से आप पर सर्च करके देखते हैं होल्डिंग हैंड और जो मैं सोच रहा हूँ वो मिलेगा या नहीं। हाँ इस तरह के यहाँ पर फोल्डिंग हैंड हैं, ये सारे पेड़ हैं। तो देखते हैं अगर कुछ नहीं मिलता तो आप इसमें अलग से इमेज लाकर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर मुझे ऐसा इमेज में कोई दिख नहीं रहा है अभी फिलहाल। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं गूगल पर, यहाँ से फोल्डिंग हैंड PNG हम डाउनलोड कर लेते हैं। क्या लग रहा है, इसे निकाल लेता हूँ यहाँ पर। सिंपली इसे उठा के हम यहाँ पर हमारे इस पर ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आ चुका हमारा अपलोड फाइल के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारा हैंड यहाँ आ चुका। यहाँ से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्रॉप करना चाहे तो क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर कुछ इमेज आप इसी लेके आते हो उसे क्रॉप करना तो आप उसे क्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ रखते हैं RSVP को नीचे रख देते हैं थोड़ा सा। सेम यहाँ पर भी हम डाल देते हैं एनिमेशन। इफेक्ट भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो इफेक्ट में भी आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। टेक्स्ट इफेक्ट को चेंज करना चाहते हैं आप तो इस तरह के भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम सारे टेक्स्ट जो है उसे ग्लिची कर देते हैं, ग्लिच वाला इफेक्ट डाल देते हैं सभी टेक्स्ट के अंदर, तो थोड़ा देखने में अच्छा एट्रेक्टिव सा लग रहा है। उसके बाद इस पर हम वापस से जाते हैं, हमारे टाइपराइटर यहाँ पर लगा हुआ है, सेम पर भी टाइपराइटर लगा हुआ है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर एनिमेशन में डाल देते हैं पैडिंग। और इसके अलावा वापस से एलिमेंट में आते हैं, यहाँ पर लाइन फिल्टर में जाकर एनिमेटेड सी ऑल, जब हम जाते हैं सर्कल, सर्कल में जाकर सेम एनिमेटेड, देखिए सी ऑल करता हूँ मैं और बहुत सारे सर्कल इसे आ चुके हैं। वो तो मैं ये जो फर्स्ट वाला हमारा सर्कल है इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह हम इसे यहाँ पर छोड़ दे छोटा करते हैं। सेम पोजिशन में जाकर यहाँ पर इसे हम हैंड के पीछे कर दे, इस तरह से ये एनिमेशन बन चुका है। और अगर आप चाहते हैं ये साइड में जो फ्लावर्स है इन्हें भी चेंज करना तो आप वो भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आपको फ्लावर्स भी मिल जाएंगे, इस तरह से एनिमेटेड फ्लावर बॉर्डर भी मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये फ्लावर्स को चेंज कर देते हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, तो ट्राई करके देखते हैं। हम इसे हटा देते हैं यहाँ से, इसे भी हटा देते हैं यहाँ पे, इस फ्लावर को लग के देखते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और भी ऑप्शन हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद आ रहा है उसके हिसाब से। हैंड था, हैंड के यहाँ पर ये वाला अगर मैं डालता हूँ तो ये देखने में अच्छा लगेगा यहाँ पर। इसी तरह हम ये वाला फ्लावर डाल के देखते हैं यहाँ पर, इसे हम यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से, फोन लगा देते हैं यहाँ पर इस तरह। फ्लावर्स भी यहाँ पर एनिमेटेड आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जो कि इस तरह से आप चाहें तो ये फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, इनकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। फिलहाल मुझे वो जो पुराने फ्लावर्स है वही ज़्यादा अच्छे लग रहे, तो मैं यहाँ पर वही छोड़ देता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है हाउस वार्मिंग इन्विटेशन, और जो कि मुझे आपको समझाना था इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, वरना बहुत सिंपल और बहुत इजी है, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, कोई आपको स्पेशल टूल्स या सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, और ये सारी प्रोसेस आप मोबाइल पर भी इजीली कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसे प्ले करके, तो ये इन्विटेशन कम्प्लीट होने के बाद आप इसको ईजीली यहाँ से सेव, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये, तो वो कोई आपको सेव करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है अलग से। के बाद आप यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली जाना होगा यहाँ पर इस प्ले बटन पर, एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते। यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन हैं, पर हम वीडियो बना रहे हैं तो हम MP4 में ही डाउनलोड करेंगे, तभी हमारे पास ये वीडियो यहाँ पर आएगा, तो मैं MP4 ही सिलेक्ट करता हूँ। एंड क्वालिटी आप यहाँ से अगर साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर व्हाट्सअप पर और सोशल मीडिया पर आप कहीं भी इनविटेशन भेज रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाई डिटेल्ड की ज़रूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल क्वालिटी पर भी जा सकते हैं। एंड उसके बाद आपको सिंपली करना है यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक, और ये देखिए आपका ये वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है डाउनलोड होना। ये जो डाउनलोड हो रहा है ये आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। एंड एक और बात, अगर आप कैनवा यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये ऑनलाइन ब्राउज़र पर काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे किसी भी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है, और मैं इसे कर लेता हूँ सेव, और अभी हमारा वीडियो यहाँ पर बन चुका है।
ये हमारा वीडियो कुछ इस तरह का यहाँ पर आ चुका है। ये इन्विटेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें अगर आप ऑडियो डालना चाहते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहते हैं, तो वो तो आई एम श्योर बहुत सिंपल है, आपको आता ही होगा। नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर में डालकर आप इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हैं। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में VN ऐप होती है जो कि बहुत सिंपल है, उसमें आपको सिर्फ ये रखना है और बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है और आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। एंड अगर PC से करें तो प्रीमियर प्रो हुआ या और भी काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल है जिससे आप बैकग्राउंड म्यूजिक डाल सकते हैं। अगर आपको वो म्यूजिक ऐड करना नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका भी आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन बता दूंगा कि फ्री में आप कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई किसी और तरह की टेम्पलेट या किसी और तरह का ट्यूटोरियल, इन्विटेशन से रिलेटेड, वेडिंग इन्विटेशन हुआ या इंगेजमेंट इन्विटेशन है या बर्थडे इन्विटेशन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। और ये बिल्कुल बेसिक ट्यूटोरियल था उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं आता, बिगिनर्स हैं, तो ये काफ़ी इजी और बेसिक ट्यूटोरियल था। इसमें काफ़ी सारी बहुत एडवांस चीज़ें भी होती हैं जो हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और भी कैनवा पर किस तरह एडवांस लेवल के इन्विटेशन वीडियोज़ या और भी अदर सोशल मीडिया रिलेटेड वीडियोज़ बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना होगा फॉलो और कमेंट करके बताइए मुझे आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। एंड होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन में दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। We'll be right back.